गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज मॉडल टाउन लुधियाना विखे फ्रैशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुराने विद्यार्थियों वालों नवे विद्यार्थियों का जी आया करने लिए सभ्याचारक प्रोग्राम पेश किया गया, जिस विच पंजाबी सभ्याचार की झलक नजर आई। विद्यार्थियों जी आया कहने वेलकम फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। इस दे विच फैशन शो कराया जा रहा है ते सारे पुराने विद्यार्थी अलग अलग तरह के कल्चरल प्रोग्राम दे के इतने नवे विद्यार्थियों वेलकम कर रहे हैं। उत्थे सारे विद्यार्थियों का आपस में मिलजुल के रहना ते एक दूसरे तो सीख के अगे बढ़ना अज दे इस फंक्शन का मोटिव है। तो साड़ी यही कोशिश है कि वध तो वध विद्यार्थी स्टेज पर आके जिथे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं उत्थे कॉन्फिडेंस गेन करते हैं तो उन्हां दी शख्सियत का उसुलर होना जो कि उन्हां दी पढ़ाई के नाल नाल बहुत जरूरी है उसनों हौसला अफजाई की जाती है। श्रीकार ये साडा कॉलेज है गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज जिथे अज फ्रेशर्स होया साडे बहुत ही वध चढ़ के सारे ने पार्टीसपेट किया। तो यह साडी भंगड़े की टीम साइंस डिपार्टमेंट वालों तो असी 6-7 गाने दे परफॉर्म किया। हर साल साडे कॉलेज इदा ही रौनक लगदियां ने। पंजाबी कल्चर साडे कॉलेज बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। साडे कॉलेज हर तरीके का फैसटिवल मनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि वह वेस्टर्नाइजेशन ही फॉलो करता हो। साडे कॉलेज तीज फैसटिवल किया जाता है। जे अज फ्रैशर्स भी है तो बहुत कुड़िया ने वध चढ़ के सूट्स पंजाबी अटायर पाया हर तरीके ना कल्चर नू वाधा ही कीता। किद्दां संभालोगे पंजाबी कल्चर नू? पंजाबी कल्चर ये किसी भी तरीके नाल दिखावे नाल नहीं आ सकता। ये साडे घरदियां नू ही संस्कार च देना पैंदा। तो मैनू लगता कि पंजाबी कल्चर इदां दी चीज़ आ वी तुसीं बाहर बह के पंजाब तो बाहर सिर्फ तुसीं गल्लां कर सकते हो। जब पंजाब च रहने हो तुसीं हर चीज़ देखते हो भी किहड़ी किवें चीज़ चलदी है। उदा ही पंजाबी कल्चर आता टीवी देख के नहीं आता। तो मैनू नहीं लगता कि तुम गल्लां नाल ही सीख सकते हो। हर चीज़ पार्टीसपेट करना चाहिए हर चीज़। थैंक यू। दिन हो गए चार मुंडिया पीछे घूमदिया वैलियां दी डार मुंडिया मैनू छेड़ दे मुंडे देने नित सैनका नाल बुला के मैनू सोने अफीम दे ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਟੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।